Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल Biz Analyst के साथ। तो सरकार बन रही है? सरकार बनाएंगे, खेल होगा, ये सीक्रेट है, हमारी सीक्रेट बातचीत हुई है नीतीश जी से। राबड़ी आवास पर आयोजित आरजेडी के इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार ने शिरकत किया कि बिहार की सियासत तेज हो गई, एक बार फिर से सरकार बनाने और गिराने के दावों का दौर शुरू हो गया। इसी कड़ी में तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि नीतीश कुमार के साथ उनकी सीक्रेट बात हो गई है और बिहार में बड़ा खेल होने जा रहा है। तो सरकार बन रही है? सरकार बनाएंगे, खेल होगा, ये सीक्रेट है, हमारी सीक्रेट बातचीत हुई है नीतीश जी से। बता दें कि राबड़ी आवास पैदल चलकर इफ्तार में पहुंचे नीतीश कुमार का पूरे लालू परिवार ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। नीतीश भी लालू परिवार के साथ सहज नजर आए। इफ्तार पार्टी के दौरान कई मौकों पर तेज प्रताप नीतीश के बगल में बैठकर बातचीत करते भी दिखे। ऐसे में नीतीश और तेज प्रताप में कोई सीक्रेट बात हुई है या नहीं, ये तो तेज प्रताप और नीतीश जाने। लेकिन आपको बता दें कि शुक्रवार को इफ्तार पार्टी में जो तेज प्रताप नीतीश के साथ हंसते बतियाते नजर आ रहे थे, वही तेज प्रताप नीतीश के लिए इससे पहले राबड़ी आवास में 2018 में नो एंट्री का बोर्ड लगा चुके हैं, जिसके बाद दोबारा तेज प्रताप ने 10 अप्रैल 2022 यानी कि अब से कुछ दिन पहले अपने ट्विटर अकाउंट पर एंट्री का बोर्ड नीतीश कुमार के लिए लगाया था और उस ट्वीट के 12 दिन बाद नीतीश की राबड़ी आवास में एंट्री हुई। इस पर तेज प्रताप ने क्या कहा, देखिए। जब से तेज प्रताप ने नो एंट्री का बोर्ड लगाया था, नीतीश कुमार उसके बाद से नहीं आए थे। आपने हाल के दिनों में ही ट्विटर पे एंट्री नीतीश कुमार लिखा था, उसके बाद क्या आपकी दूरदर्शिता थी ये, या आने वाले समय में एक बड़ा जो है वो राजनीतिक कदम उठने जा रहा है? पॉलिटिक्स है, राजनीति में उथल पुथल होते रहते हैं। आज हम हैं तो कल वो हैं, कल वो रहेंगे तो आज हम रहेंगे, तो ऐसा ये सब चीज उथल पुथल जो है चलता रहता है। अब इसमें नीतीश कुमार जी आए, पहले तो हमने तो लगाया था कि नो एंट्री का बोर्ड, अब एंट्री नीतीश चाचा जी हमने लगाया बोर्ड, तो वो आ गए, यहाँ आ गया तो सरकार बनेगी। बिहार के सियासी कृष्ण ने खिला होबे का शंखनाद करते हुए और क्या कुछ कहा, देखिए। कृष्ण ने जिस तरीके से महाभारत में अपनी रचना की थी, व्यू रचा था, इस तरह से कह सकते हैं कृष्ण हैं आप इस बिहार के सियासत के महाभारत। और कौन हो सकता है, जब ना हमने जब अर्जुन घोषित कर ही दिया है पहले, बार बार इस बात को रिपीट करने से क्या फायदा, कृष्ण हैं तो हैं, कृष्ण तो सर्वव्यापी हैं। तो सरकार बन रही है? सरकार बनाएंगे, खेल होगा, ये सीक्रेट है, हमारी सीक्रेट बातचीत हुई है नीतीश जी से। बिहार की सियासत के कृष्ण ने दावा तो कर दिया है कि खेल होगा, लेकिन देखना होगा कि दावा सिर्फ मीडिया अटेंशन के लिए किया गया है या दावों में दम भी है। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।